ये आगे पढ़ना चाहती है और ऐसा कुछ और स्थिति भी अच्छी नहीं है, तुम स्टेट टॉपर की हो, स्टेट टॉपर में तुम्हारा नाम है, आगे क्या करना चाहती है? मैं आगे शिक्षिका बनना चाहती हूँ। शिक्षिका बनना, तुम्हारे प्रेरणा का स्रोत कौन हुआ है? मेरे पेरेंट्स। पूरा कोरोना में तो घर में ही पढ़ाई की होगी? पढ़ाई कैसे करती थी? टीवी देखकर, टीवी पर जो दूरदर्शन का क्लास चलता था उसको? नो सर, ओनली बुक्स से। सिर्फ बुक्स पढ़ती है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जितनी भी मेहनत की थी, मेरी मेहनत रंग लाई और मैं सफल हो पाई। मुझे उम्मीद तो थी कि मुझे अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं फोर्थ पोजीशन होगी। फिर भी मुझे मार्क्स आया, मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ, मैं इसे लेकर काफी खुश हूँ। आगे चलकर क्या बनना चाहती हूँ? आगे चलकर मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? अपनी सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले तो भगवान को दूंगी, फिर मेरे माता पिता, मेरे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका जिन्होंने कोरोना के काल में भी काफ़ी ऑनलाइन स्टडीज में काफ़ी हेल्प की, और मेरे मामा, मेरे मेंटर, मेरे गाइड जो कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे पढ़ाई में मुझे काफ़ी हेल्प किया, उन्हीं की वजह से मैंने अपना सिलेबस अकाउंट्स को कवर कर पाया। इस बार तो कोरोना के कारण स्कूल बंद था, तो फिर पढ़ाई कैसे की? कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चालू थे, ऑनलाइन क्लासेस में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने काफ़ी मेहनत किया, और मेरे मामा भी थे जो कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी में जोड़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकते हैं। मेरे पापा हमेशा से हम लोगों को सेल्फ स्टडी पे फोकस करने के प्रैक्टिस करवाते रहे कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। सो मैंने, जैसा कि अपना का सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही करी, घर पे ही रह के पढ़ाई करी, मम्मी पापा से मदद ली, दीदी से मदद ली, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन हेल्प ली। हर दिन मैं अपना एक टारगेट लेती थी कि आज मुझे इतना चैप्टर, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मतलब उसे कंप्लीट। टॉप करना कोई मंजिल नहीं होती है, आप सब मेहनत करें, आप अपना कर्म करें, टॉप करना या फिर जो भी आपका रिजल्ट हो या आपकी मेहनत पे ही डिपेंड। पर ऐसा मेरे मन में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं था कि मुझे भी टॉप करना है, मैंने सिर्फ मेहनत करी और उसके बाद मैंने सब कुछ ऊपर स्कॉट पर छोड़ दिया। मेरा फुल मार्क्स है 461 और आगे मेरा एम है IAS बनना, सिविल सर्विस ज्वाइन करना, और अभी मैं BHU के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। आपने मैट्रिक कहाँ से किया है? सर, मैंने मैट्रिक प्राइसेस गर्ल्स हाई स्कूल भागलपुर घंटाघर से किया। नंदनी के साथ उनकी कई उनकी दोस्त हैं, ये तुम साइंस से हो या नहीं? आर्ट से हैं। ये आर्ट से हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तनिषा कुमारी। तनिषा है, साइंस से श्वेता कुमारी। साइंस से श्वेता कुमारी है, ये सभी नंदनी के दोस्त हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों का को अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ये लोग अभी स्नातक करेंगी, कोई सिविल सर्विसेज में तो कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने जा रही है। ये नंदनी के एक दोस्त है जो, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, आप किस में हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप ये, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ की छात्राएं अब वो नहीं है कि जो इंटरमीडिएट और स्नातक करने के बाद शादी के लिए चली जाती थी, अब ये लोग अपने करियर बनाने को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। हिंदुस्तान लाइव के लिए नीरज के साथ शशि रमन, भागलपुर।